बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट गनी। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर होने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें जानेंगे कि थर्मिक फ्लूइड हीटर का मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे प्लान करते हैं, कैसे हम डेली बेसिस से मेंटेनेंस शेड्यूल प्लान करते हैं, कैसे वीकली बेसिस से, कैसे क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली यू कैन से या फिर ईयरली बेसिस पे हमें क्या क्या मेंटेनेंस एक्टिविटी के परफॉर्म करनी पड़ती है थर्मिक फ्लूइड हीटर में, जिससे कि हम अपना जो थर्मिक फ्लूइड हीटर है उसका जो अप टाइम है वो मैक्सिमाइज कर सकें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भाई रूटीन मेंटेनेंस शेड्यूल, कि भाई जो हमारा रूटीन मतलब हर रोज़ वाला, कि जो हमारा प्रतिदिन में जो मेंटेनेंस शेड्यूल है वो उसमें हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि भाई 8 घंटे के बाद या एक शिफ्ट के बाद हमें क्या क्या चीज़ें मेंटेनेंस के बिहाफ से हमें चेक करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि क्लीन द एक्सटर्नल फर्नेस ऑफ द रेमेंटल फ्यूल एज एंड फ्लाई एस, कि भाई आपको जो बाहरी रूप से जो भी बचा हुआ ईंधन है या कोयला है या वुड है उसके आसपास का जो एरिया है आपको क्लीन रखना चाहिए, जैसे कि कोई फायर इंसिडेंस ना हो, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको क्लीन करनी चाहिए टाइम टू टाइम। तो जो फ्लाई एसिस है, जैसे कि अपना कन्वेक्स जोन है या फिर रेडिएशन जोन है या फिर बॉटम एस है, ये क्या है वो टाइमली क्या है आपको साफ सफाई करवानी चाहिए। ये हमारा मेंटेनेंस के बिहाफ से, क्योंकि यदि आप प्रॉपर से इन चीज़ों को क्लीन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो रोटरी बेयरिंग्स है या फिर अदर ऑपरेशनल इक्विपमेंट्स जैसे पंप्स है उनके कॉन्टैक्ट में यदि ये फ्लाई एस आएगा तो क्या कहीं ना कहीं उनकी लाइफ डिटोरेट हो जाएगी और फर्दर क्या ब्रेकर डाउन आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लीन द ग्रिड बार्स। जहाँ पे दोस्तों हमारा कोयला जलता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, तो क्या है ये हमारा क्या है इसी जो हीटर है का मॉडल आप देख रहे हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। और क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है इसमें पॉइंट भी एड ऑन होते जाएंगे। तो फिलहाल जो आप मेरे स्क्रीन पर मॉडल देख रहे हैं, मैं आप उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या है इसमें, जैसे यहाँ पे ग्रेट बार है, क्या इसी पे क्या है ईंधन है या कोयला है या पेटकोक है या फिर वुड है या फिर ब्रैकेट्स है, तो क्या है इस क्या है वो टाइम टू टाइम क्या है आपको साफ करनी चाहिए। जैसे भी फर्नेस बर्निंग होगा उसको क्या है फर्नेस की क्लीनिंग करनी पड़ती है जिससे कि एफिशिएंट बर्निंग हो, तो टाइम टू टाइम क्या है आपको करनी चाहिए। यदि आप क्लीन नहीं करेंगे तो क्या दोस्तों, जो हमारी ग्रेट बार्स है वो क्या है उन पर भी क्या है स्केलिंग आ जाएगी, सूट डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे क्या है उनके जो एयर कैप्स है वो क्या है क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि उसके बाद क्या है अपना जो फ्यूल है वो प्रॉपर वे से नहीं जल पाएगा। तो क्या है इनकी लाइफ एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या है इनको समय समय पर क्लीन करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया दोस्तों, चेक डीजल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल इन डीजल इंजन, कि भाई जो स्पोदेट जब कभी आपकी लाइट चली जाती है या फिर ब्लैकआउट हो जाता है, तो एट दैट टाइम आपको सर्कुलेशन के लिए आपको डीजी पंप चलाना पड़ता है। तो दोस्तों आपको क्या है हर रोज़ क्या आपको डीजी का इंस्पेक्शन करना चाहिए कि उसमें क्या प्रॉपर ऑयल है या नहीं है, या फिर क्या है वो एक किक में स्टार्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये भी हमें क्या है हर रोज़ इसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, ताकि इमरजेंसी बेसिस पे क्या है हमें इसको लाइनअप करना पड़े, ताकि हमारा जो थर्मिक फ्लूड है जो जब वो हमारे कोयल्स में होल्ड आ जाएगा वो क्या है और हीटिंग हो से वो प्रेशराइज ना हो, जिससे कि हमारा जो कोयल्स है वो प्रेशराइज ना हो और उनकी फर्दर लीकेज होने के चांसेस रिड्यूस हो जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि चेक द लुब्रिकेटिंग ऑयल इन द थर्मिक फ्लूड पम्प, कि भाई जो थर्मिक फ्लूड पम्प के जो बेयरिंग्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है उसका के लेवल क्या है आपको प्रॉपर हर रोज आपको चेक करना चाहिए, ताकि यदि ऑयल नहीं रहेगा तो क्या दोस्तों हमारे ड्यू टू द फ्रिक्शन हमारे क्या बेयरिंग क्या है और हीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक टाइम सैचुरेशन लिमिट पे क्या है वो फेलियर हो जाएंगे, जिससे कि हमें ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये भी क्या है आपको हर रोज आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि चेक द लेवल ऑफ थर्मिक फ्लूइड इन एक्सपेंशन टैंक एंड टॉप अप इफ रिक्वायर्ड। सबसे बुलेट पॉइंट्स है आपको हर रोज चेक ही करना है कि भाई आपको हर मिनिमम क्या है 35% लेवल आपको एक्सपेंशन टैंक में रखना ही रखना है। यदि दोस्तों आप प्रॉपर वैसे एक्सपेंशन टैंक का लेवल नहीं मेंटेन करोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है
आपके पंप सक्शन छोड़ देंगे, या फिर इनसफिशियंट फ्लो से क्या है आपकी जो कॉइल्स है क्या है वो जो रेडिएशन जोन की है फर्दर किसी जोन पर, और ड्यू टू द ओवर हीटिंग क्या है वो पंचर होने का खतरा बना रहता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप थर्मिक फ्लूड का जो टैंक में एक्सपेंशन टैंक लेवल है वो प्रॉपर वे से चेक करें, और यदि ज़रूरत है तो उसको समय समय पर उसको टॉपअप करते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट उसमें क्या बोला गया है, चेक द लेवल ऑफ वाटर इन IBH। IBH स्टैंड फॉर द इन बेड हीटर। दोस्तों क्या है, बहुत सारे हीटरों में क्या है IBH आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि क्या है IBH हमें हेल्प करता है कि जो हमारे हीटर में जो प्रोसेस से जो रिटर्न ऑयल आता है हम उसको क्या प्री हीट करने के काम आता है। प्री हीट हम किससे करते हैं, वो हॉट वाटर से हम क्या है उसको ऑयल को प्री हीट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइलेंट ट्यूब टाइप का जो अरेंजमेंट्स होता है कि उससे विद द हेल्प ऑफ दैट क्या है हम अपने थर्मिक फ्लूड को क्या है गर्म कर लेते हैं, जिससे कि हमें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का क्या है पहले से ही हम ऑयल का तापमान बढ़ा देते हैं, जिससे कि हमारा क्या है एक तो एज इकोनॉमिक वे से देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है, जिससे कि हमारी काफ़ी बचत भी होती है फ्यूल सेविंग की। तो दोस्तों क्या है आपको क्या है IBH में आपको क्या है वाटर का हमें हमेशा आपको चेक करते रहना चाहिए, देखना चाहिए कि यदि पैनल्स पे क्या लो वाटर का इंडिकेशन आ रहा तो आपको क्या है टॉपअप पंप चलाकर क्या है IBH में वाटर लेवल को मेंटेन कर लेना जरूरी है। तो दोस्तों ये तो कुछ पॉइंट थे कि आप रूटीन वे से क्या क्या चीज़ें देखेंगे, ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने बताए जो कि काफ़ी ज़रूरी है, और आपके प्लांट के अकॉर्डिंग यदि ऐसी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ऐसे मैंने स्किप कर दिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई जैसे मॉडल चेंज होता जाएगा क्या है आपका क्या है एड पॉइंट्स एड ऑन होते जाएंगे। तो यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कौन सा मॉडल आप हीटर का चला रहे हैं, और इसमें जो आप रूटीन वे से जो चीज़ें चेक करते हैं वो भी हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ऐसे कुछ पॉइंट्स आप हमें बता सकते हैं कि जो कि हमारे क्या है जैसे वाइब्रेशन मॉनिटरिंग है, आप बोलोगे सर वाइब्रेशन भी चेक करना चाहिए, हाँ ये हम क्या है रूटीन एक्टिविटी में नहीं कर सकते हैं वाइब्रेशन, हो सकता है कि हम वीकली एक्टिविटी में या फिर मंथली एक्टिविटी में इसको एड ऑन करें, तो इस तरीके से पॉइंट आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा, यदि इस वीडियो के माध्यम से आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से क्या है मैं पावर प्लांट और ऑपरेशन और मेंटेनेंस लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतने काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं अच्छे टेक्निकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।